सैलरी और प्रोत्साहन राशि न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे वार्ड बॉय। हजारीबाग से एक भिखारी हॉस्पिटल ने 2 महीनों से सैलरी और प्रोत्साहन राशि न मिलने से वार्ड बॉय में काफी आक्रोश देखा गया है और सुपरवाइजर के द्वारा ये कहा गया कि 4 महीनों के बाद आप लोगों का तनख्वाह आएगा। तभी वार्ड बॉय ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने घरों को कैसे चलाएंगे। कोरोना का हाल में हमने कई मृतक की शरीर को खुद से उठाकर संस्कार करवाया, जबकि वार्ड बॉय लोगों का कहना है कि जून जुलाई की सैलरी हमें नहीं मिली है और साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है और कई लोगों को तो चेहरा पहचान कर राशि दिया जा रहा है जबकि प्रोत्साहन राशि आ चुकी है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और यदि ऐसा ही चलता रहा तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। आखिर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, क्या हम सब भूखे मरेंगे। आइए अब देखते हैं क्या है, वार्ड बॉय को उनका सैलरी समेत प्रोत्साहन मिल पाता है कि नहीं। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को सदर हॉस्पिटल में हो रही है? सर, हम लोग सदर अस्पताल में वार्ड बॉय के पोस्ट पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को 2 महीना से सैलरी नहीं दिया गया है और प्रोत्साहन राशि भी नहीं दिया गया है। जब भी हम लोग कंपनी में सुपरवाइजर को फ़ोन करते हैं तो सुपरवाइजर बोलता है काम करना है करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ, 4 महीना के बाद पैसा आएगा। सर, हम लोग अपने भूखे पैसे कैसे काम करेंगे। दूसरी बात, इसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने सूचना जो दी है सुपरिटेंडेंट ऑफिस में भी सूचना दिया, थाना में भी, सदर थाना में हमने सूचना दिया। अब हम लोग जा रहे हैं DC ऑफिस में वहाँ सूचित करने के लिए ताकि कल को किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो। हमारा बस यही विनती है सर कि हमारा सैलरी जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सर, कितने दिन का सैलरी बाकी है आप लोग? सर, हम लोग 2 महीना का सैलरी बाकी है और 1 महीना का प्रोत्साहन राशि बाकी है। जून और जुलाई का पेमेंट नहीं मिला है और 1 महीना का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, जबकि फंड आ चुका है फिर भी नहीं हम लोगों को दिया जा रहा है। क्या कुछ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कहीं से दिया जा रहा है, कुछ लोगों को कहीं से दिया? कुछ लोगों को सर चेहरा पहचान करके कल पैसा दिया गया और जब हम लोग अपना पैसा मांगे तो हम लोग को बोलता है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग नहीं देंगे पैसा, जब आएगा अलॉटमेंट तब देंगे। बोले सर हमको उससे क्या मतलब है, हम आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमें पैसा दीजिए। हमने काम किया कोरोना काल में, हम लोगों ने डेड बॉडी उठाया है सर, कोरोना पेशेंट का सेवा किया है, दिन रात देखे नहीं काम करते रहे सर। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर हम लोगों का पैसा 2 दिन के अंदर मिल जाए, अन्यथा हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? हम लोग सर वार्ड बॉय, मेरा नाम कुणाल हुआ, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है सर। MJ सोलंकी कंपनी का नाम है, गुजरात की कंपनी है और यहाँ पर जो सुपरवाइजर है उसका नाम भीम पासवान है। वही बदमाशी कर रहा है भीम पासवान ही।